साथियों नमस्कार, मैं मंजीत कोथ। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि सोशल मीडिया पर एक लड़का जो अपने हथियारों के साथ पोस्ट फोटो डाल रहा था तो वो पकड़ा गया है। मामला क्या है पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो हथियारों के साथ कुछ लोग अपनी फोटो वायरल करते हैं, कुछ वीडियो बनाते हैं, लेकिन समाज में एक भय का माहौल पैदा करने के लिए ऐसा करते हैं, तो बिल्कुल ही गलत है। ये हो सकता है अपने होश को खोकर और सोशल मीडिया पर ये फोटो अपने शौक के लिए डालते हैं, लेकिन ये कानून के खिलाफ है। तो ऐसा ही मामला आज सामने आया है जो आप लोगों तक शेयर करने वाला हूँ। ये राजस्थान का बीकानेर, योगेश यादव पुलिस अधीक्षक बीकानेर के निर्देशन में सुनील कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बीकानेर व वृत्ताधिकारी श्री डूंगरगढ़ के सुपरविजन में थाना अधिकारी द्वारा सोशल मीडिया पर हथियार संबंधी फोटो अपलोड करने का जो बख्श नदीम पुत्र, देखिए जो लड़के का नाम है बख्श नदीम पुत्र पीर बख्श जाति, तो ये मुसलमान धर्म से है और 27 साल निवासी बीका बाद से श्री डूंगरगढ़ जिला बीकानेर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो अपलोड करने से आम जन में भय पैदा होता है और उक्त जो कृत्य कानून अपराधी की श्रेणी में आता है। इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु निगरानी रखते हुए कार्रवाई की गई है। तो बड़ी बात है भाई, कोई भी अपने जो सोशल मीडिया पर ऐसे फोटो न डाले, हथियारों के साथ फोटो न डाले, तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। सोशल मीडिया पर हथियारों के सहित फोटो अपलोड करने, डीसी जो अपने डीपी है वो लगाने और अन्य तरीके से ऐसा प्रदर्शन या कृत्य करने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार निगरानी रख रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। तो ऐसा ना करें, क्योंकि जो अपने होश और आवाज़ को खो देते हैं और अपना जो डीपी यानी अपने आप को एक अच्छा या फिर सुंदर दिखाने के लिए हाथ में बंदूक ले लेते हैं या कोई तेज़धार हथियार से फ़ोटो खिंचवाते हैं, वो बिल्कुल ही गलत है, उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो आज जो ये वीडियो आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करनी है।